हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इजी ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन जस्ट 6 रोज़ का डिज़ाइन है और 6 रोज़ आपको रिपीट करते जाना है पूरी प्रोजेक्ट में। देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 3 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस 2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2। रंग साइड पे ऐसे दिखता है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, फ्रॉक, कैप, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। इसमें मैंने 3 का मल्टीपल करके 15 प्लस 2 कर लिया है, टोटल 17 कर लिया है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो पूरी सिलाई आपको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो पूरी सिलाई आपको सीधा सीधा बुनना है। फर्स्ट रो पूरी सिलाई आपको सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो पूरी सिलाई आपको उल्टा बुटा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो पूरी सिलाई आपको उल्टा बुटा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो भी पूरी सिलाई आपको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फोर्थ रो में डिजाइन डालेंगे। फोर्थ रो रंग साइड एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। आपको एक फंदा उल्टा यार्न ओवर, आपको सारे फंदे में आपको यही करना है। एक फंदा उल्टा यार्न ओवर, आपको यही रिपीट करते जाना है। एक फंदा उल्टा यार्न ओवर करते जाना है आपको, सारे फंदों में यही करना है आपको। फिर एक फंदा उल्टा यार्न ओवर, उल्टे की साइड से आपको यार्न ओवर करना है। फिर एक फंदा उल्टा यार्न ओवर, फिर एक फंदा उल्टा यार्न ओवर, फिर एक फंदा उल्टा यार्न ओवर। इसी तरह से आपको 4 रो कंप्लीट करना है। एक फंदा उल्टा यार्न ओवर, 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 एक फंदा उल्टा। देखिए इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है रो 4। लास्ट का एज स्टिच उल्टा। फिफ्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। अब 3 फंदा इस तरह से स्लिप करेंगे, 3 सीधा फंदा आपको इस तरह से स्लिप करेंगे। अब यार्न ओवर को इस तरह से छोड़ देंगे, फिर ऐसे 3 फंदा इस तरह से स्लिप करेंगे, 1 2 3 यार्न ओवर को इस तरह से छोड़ देंगे। 3 फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, फिर लेफ्ट नीडल में लेंगे इस 3 फंदे को। अब उल्टा बुनते हुए आपको एक साथ इस तरह से उल्टा बुनना है आपको। एक बार उल्टा बुनना है, एक बार सीधा, फिर उल्टा इस तरह से। एक बार उल्टे की तरफ से एक फंदा निकालेंगे, फिर धागा पीछे, फिर सीधे की साइड से एक फंदा निकालेंगे, फिर धागा आगे, फिर उल्टे की साइड से आपको इस तरह से आपको 3 फंदों में से आपको 3 फंदा निकालेंगे, इस तरह से छोड़ देंगे। तो देखिए 1 2 3 फिर से इन्हीं फंदे ए रिपीट करना है आपको। फिर से 3 फंदे से बिना बुने स्लिप करेंगे, 1 यार्न ओवर किस तरह से छोड़ देंगे, 2 3 छोड़ देंगे, 3 फंदे से बिना बुने स्लिप करेंगे। अब लेफ्ट मिडल में लेंगे। अब इस तीन फंदे को फिर 3 फंदा निकालना है। एक बार उल्टा सीधा उल्टा, एक बार उल्टे की साइड से एक फंदा निकालेंगे, फिर धागा पीछे, फिर सीधे की साइड से, फिर धागा आगे, फिर उल्टे की साइड से,
पूरी रो आपको यही करना है। फिर से तीन फंदे से स्लिप करेंगे, एक दो या तीन। अब लेफ्ट नीडल में लेंगे फिर इस तीन फंदों को। अब सीधा एक बार उल्टी की साइड से एक फंदा निकालेंगे, धागा पीछे, फिर सीधे की साइड से एक फंदा निकालेंगे, फिर धागा आगे, फिर उल्टी की साइड से एक फंदा निकालेंगे, करके आपको तीन फंदा निकालेंगे, एक दो तीन। फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे, एक दो या तीन। एन ओवर को इस तरह से छोड़ देंगे और फिर लेफ्ट नीडल में लेंगे। फिर अब इस तीन फंदों को तीन एक साथ लेंगे, फिर एक उल्टे की साइड से एक फंदा इस तरह से निकालेंगे, धागा पीछे, फिर सीधे की साइड से एक फंदा निकालेंगे, धागा आगे, फिर एक फंदा निकालेंगे उल्टे की साइड से और छोड़ देंगे इस फंदे को। फिर से तीन फंदे स्लिप करेंगे, एक दो या तीन। फिर लेफ्ट नीडल में लेंगे इस तीन फंदों को। अब फिर एक साथ इस तरह से उल्टा बुनेंगे, एक फंदा धागा पीछे, फिर सीधे की साइड से दो फंदा धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा। ये लास्ट का फंदा आपको सीधा बुनना है, एज स्टिच सीधा बुनना है। सिक्स रो पूरी सलाब को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। पूरी सलाब को उल्टा उल्टा बुनना है सिक्स रो। देखिए फ्रेंड, डिजाइन जस्ट सिक्स रोज का डिजाइन है, वही सिक्स रोज आपको रिपीट करते जाना है पूरी प्रोजेक्ट में। देखिए सिक्स रो में ऐसे डिजाइन बन के आएगा। अब आपको यहाँ से वन रो स्टार्ट करना है। वन रो आपको पूरी सलाब को सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है, देन रिपीट करते जाना है आपको वन टू सिक्स रो। सिक्स रो में ऐसे डिजाइन बन के आएगा। देखिए आपको रिपीट करते जाने के बाद आपको ऐसे डिजाइन बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।